अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज आपको मैं ये बताऊँगा कि आप हवावे में 10 प्रो का किस तरीके से आपको पता चलेगा कि इस फ़ोन के अंदर वर्जन कौन सा चल रहा है और इसको आप अपडेट किस तरीके से करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से फाउंड कर सकते हैं कि इस फ़ोन के अंदर हवावे के कोई सा भी फ़ोन हो। वैसे तो मैं आपको चेक करवाता हूँ हवावे में 10 प्रो कि आप इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, ताकि आप आसानी के साथ सॉफ्टवेयर कर सकें और आपको कोई भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। तो चलें, तो हम इसको शुरू करते हैं। और एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि आप जब भी इस मोबाइल का सॉफ्टवेयर करें तो आपने इसी तरीके से चेक करके और उसके बाद ही इसका सॉफ्टवेयर करना है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने किस तरीके से इस फ़ोन को फाउंड करना है। और आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि आपने फ़ोन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपने फ़ोन का वॉल्यूम डाउन के बटन को दबाकर आपने पीसी की केबल लगानी है। जैसे ही आप पीसी की केबल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोन फास्ट बूट मोड पर चला जाएगा। जब फास्ट बूट मोड पर चला जाएगा तो उसके एबीडी ड्राइवर जो उनसे होंगे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपने एबीडी के ड्राइवर को चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपने इस टूल को खोलना है। आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही आसान है, जिसकी वजह से आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए आपको सिर्फ टूल्स की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं एक नई वीडियो भी जल्दी ही इंशाल्लाह बनाऊंगा, जिससे आपको मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से हवावे फर्मवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। आप उसको फाउंड करके आप कोई सा भी वर्जन हो, कोई से भी हवावे का फ़ोन होगा, आप उससे इजीली सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे किया है और उसके बाद मैंने इसके ड्राइवर को लगाया है। थोड़ी देर में हम इसको चेक करेंगे कि इसके एबीडी ड्राइवर आ चुके हैं, क्योंकि मेरे पास जो सभी फ़ोन है वो फास्ट बूट मोड पर आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये अपने ड्राइवर्स को उठाना इसने शुरू कर दिया है और मेरा फ़ोन भी फास्ट बूट मोड पर आ गया है। तो आप ये एबीडी मोड ड्राइवर्स हैं, ये भी देखें, अभी ये इंस्टॉल नहीं हुए। तो मैं इसको दोबारा से प्लग करता हूँ और अपना टूल को भी ओपन कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि आपने इस फ़ोन के साथ क्या करना है। आप देख सकते हैं मेरे एबीडी ड्राइवर्स भी आ चुके हैं। और आने के बाद मैंने इसको सिग्मा टूल को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपके सामने आपके मॉडल भी आ रहा है। तो L29 है और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको फास्ट बूट मोड पर ले आया हूँ और मैंने इसके बीडी ड्राइवर को सिलेक्ट किया और आपके सामने BLA L29 आ चुका है। और मैंने FRP के बटन पे क्लिक किया था और इसने मुझे बता दिया है कि मैं 9.00 159 और C 185 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।